आज का ये प्रोग्राम रैप के अंदर जनाब एडीसी ज़ादन खान साहब के एजाज में डीबीए जान की तरफ से मुख्तसर काम से रखा गया है। तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मलक नहीं मसलम से इस्तेमाल करूँगा। वो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों में मलक नहीं मसलम साहब जो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मनवर कर रहे थे, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी सरमनी नहीं है क्योंकि इसके बाद एक लेक्चर भी शुरू होना है। एडीसी साहब के पास भी हीट सीजन की वजह से मुख्तसर टाइम है। मैं तमास करूँगा प्रेसिडेंट बार से कि वो है मेहमान गिरामी और दूसरे दोस्तों को वेलकम करें और अपने ख्याल का इजहार करें। आज इस तहजीब मुकदस के रमजदार इमाम ने अपनी शानदार रवायात को बरकरार रखते हुए जनाब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दैनी सजाद अहमद खान साहब को जो नए तैनात हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए जंग में खुश आमदेद करने के लिए आज बार में इनको मदऊ किया है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ लाए। तो एक बात अच्छी तरह जानती है कि जब भी किसी अफसर की यहाँ पे तैनाती होती है तो उसके साथ ही उसकी शोहरत तशरीफ लाती है, लेकिन सजाद अहमद खान साहब के आने से कबल इनकी शोहरत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि ये इंतहाई काबिल मेहनती और दयानतदार घरेलू अफसर थे। और ख़ासकर जो हमारे इल्म में बात आई है कि रेवेन्यू के मामला में जो हम रोज़ पढ़ते हैं, खसरा की बराबरी है, जमाबंदी है, अक्षजा है, तकसीम से किस्त हैं, अपीलें हैं, उन सब से और दीगर जो रेवेन्यू के बारीक और दकीक मामला हैं उनको सुलझाने की सलाहियत रखते हैं और लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के माहिर हैं। इससे बड़ी बात जो आज हमारे लिए काबिल फ़ख्र है और इनके लिए भी काबिल एजाज है वो ये है कि हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स में इतने अरसे से सही जारी थी, कोशिश जारी थी और उस पर मेहनत जारी थी, उसको एयर पार करने और उस केस को फॉरवर्ड करने में जनाब सजाद अहमद खान साहब का सबसे बड़ा हाथ है और इनके दस्तखतों से यहाँ से जो हमारा केस किया है उस फाइल में सजाद अहमद खान साहब से दस्तखत है जिन्होंने फॉरवर्ड किया। चंद बार इनकी इंतहाई मशहूर है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने ये काबिल हैं, जितने मेहनती हैं, जितने इनके अच्छे रवैये हैं और बार के साथ भी इनके इसी तरह रवैये रहेंगे, बार इनके साथ हर किस्म का तामन हर वक्त जारी रखेंगी और इनकी इन सलाहियों को एडमायर करते हुए हम ये उम्मीद करेंगे कि रेवेन्यू के लेकर मामला भी एग्जेक्टिव के साथ साथ उसी तरह टेकअप किए जाएंगे जैसे इनमें सलाहते हैं। तो आज सिर्फ इतनी ही गेट टूगेदर थी चूँकि इनकी अपनी बेताशा मसरूफियात है और इन्हीं मसरूफियात की वजह से जैसे ये जान तशरीफ नहीं ला सके तो मैं इनका एक दफ़ा फिर झांग बाग की जाने से मशहूर शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करता हूँ और इंशाल्लाह झांग जो रेवेन्यू में सोशल चेंजेस हैं और जो जस्टिस है वो सारा ये लाने में कामयाब होंगे और हम इनके साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। प्रेसिडेंट बार जो एडीसीआर साहब के खूबियाँ बयान कर रहे थे, जनाब सजाद अहमद खान साहब मेरी जंग बात भी कई खूबियों से कम नहीं है। यहाँ लोग प्रोफेशनल है, एक ही है, इज्जत देते हैं और इज्जत लेने की डिमांड भी करते हैं। और हमें बिला तखीर मेहमान गिरामी जनाब सजाद अहमद खान साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने
اپنے خیالات کا اظہار کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب صدر جھنگ پار، جناب جنرل سیکرٹری جھنگ پار اور پارک کے موسم صاحب، آپ سب کو سلام. آپ میں سے کسی دوستوں کے علم میں ہے کہ میرا اپنا تعلق ایک وکیل گھرانے سے ہے. میرے والد سور بار کے سینئر وزیر تھے. رمضان 2015 میں ان کا انتقال ہوا اور وہ تھے کسی جانے نہیں. میرے چھوٹے بھائی بھی وکیل ہیں، میرے دایا کے بیٹے بھی وکیل تھے، بلکہ انہوں نے تو اپنی سروس کا آغاز ضلع جھنگ سے ہی کیا تھا. شوکت جاوید خان کا نام ہے، آج کل ضلع بھکر میں سر انجام دے رہے ہیں. تو میں اوکھلا کے پاس آ کے ہمیشہ ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں اپنی فیملی ممبرس کے پاس ہوں. چار سال کا دور اسپیشل ایجوکیشن مجسٹریٹ لاہور آڈر کچہری میں کام کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خاصی مشکل سے چل رہی ہے لاہور کے اوکھلا کے ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس کو ہم کوئی بدمزگی کا عنوان دے سکتے. بار کے اور افسران کے یا بینچ کے تعلقات باہمی احترام سے مشہور ہوتے ہیں، اور آپ نے جو بلا کے جس عزت افزائی جو میری کی ہے اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب میں پریس کے اخبار سے سواس کروں گا وہ مہمان گرامی کو، ان کی خدمت میں یہ فلاور پیش کر سکتا. آخر میں جناب مہمان گرامی کا ڈی بی اے جھانگ کی طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہوئے، عزت بخشی، بہت مہربانی. آج کا یہ گیٹ ٹوگیدر کا جو اجلاس ہے وقت تام پذیر ہوتا ہے،